मैं सोच रहा था कि पहले हम प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर बात हो गई बाबा से, तो ये तो परफेक्ट मोमेंट है। तुम बुलाओ अपनी गोरी हसीनाओं को, इस बहाने मैं भी मिल लूंगी उनसे। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया, वो शादी भी अटेंड कर लेंगी मामा जी की, राइट? देखो ऐसे मत बोलो, मेरा दिल किरची किरची हो जाता है। अच्छा, बात सुने, अगर उनमें जरा भी अक्कल हुई ना तो शादी करके ही आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो मुकाबला तो आपने जीता था। बात तो सही कर रही। उनके वापस आने से पहले पहले हम भी यही कर लें। हाँ, इससे पहले ना दादी की ना बंदूक निकली थी, अगर आपने अब कोई ऐसी हरकत की ना तो उन्होंने ना अपनी बंदूक में गोलियां भी डाल लेनी है। शन्नो, जाओ नीचे, बाबा और रिजवान अंकल वेट करें, और बाबा की सैलेड नहीं भूलना। यार तानिया, अगर मामा जी ने वाकई शादी कर ली तो हम क्या करेंगे? चीटिंग है यार। चीटिंग तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है रोहन। क्या? मुझे गोल रोटियां नहीं बनानी आती, याद है? तो इसमें क्या है, मैं बना लूंगा, तुम हाँ तो करो। तुम बना लोगे? हम फिल्म्स बनाएंगे या गोल रोटियां? दोनों। तानिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। रोहन, मैं भी। तुम भी? बोलो बोलो बोलो, तुम भी नहीं रह सकती ना, बोल दो यार आज। तुम किचन में इज्जत कर रहे हो। दादी, वो मैं डैड के साथ आया था। दादी, डैड के साथ आए थे? तो जाकर अपने डैड की गोद में बैठो। किचन में तुम्हारा क्या काम है? वो दादा, मैं दानिया से ना फिल्म की कोई डिस्कशन करने आया था। किचन में खाना बनाया जाता है, फिल्म में नहीं बनाई जाती। और सुनो, इससे पहले कि तुम अपनी गोरी हसीनाओं को अपनी फिल्म में कास्ट करो, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है और कैसे करना है। हाँ दादा, क्यों नहीं, हमारी भी हेल्प हो जाएगी। मैं नेहा से कहूंगी कि वो सबसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए, और पहले तुमसे। जी दादा, फिर आप वो निखाना मंगवाने, हाथ का तो भी साइन करूंगा मैं। खैर चलो, तुम नीचे चलो, बाद में बात हो। प्लेटें लेके जाओ। प्लेटें? हाँ। एक भी टूटी तो देखना। बिल्कुल नहीं। हाँ, प्लेट सीधी होनी चाहिए। गहरी वाली, सीधी तो बोले गया है।